ये सब यहाँ पे ब्यूटी कंपटीशन लड़ने आई हुई है। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज दिन की शुरुआत होती है पिनांग से और अभी मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूँ। मेरे पीछे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी मैं अपने होटल रूम में हूँ और अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हमें मिला था, मतलब हमने खरीदा था। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या होता है, खाने में क्या क्या चीज़ें दी जाती है। उसके बाद आज पूरा दिन हम बहुत जगहें घूमने वाले हैं यहाँ पर इस आइलैंड पे। हम जॉर्ज टाउन जाएंगे, उसके बारे में भी आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। और वहाँ पर जाएंगे, मैं दिखाता हूँ शॉपिंग का एक्सपीरियंस, खाने पीने से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसी लग रही है टार्जन दी वंडर कार। दोस्तों अभी हम बंठन के तैयार हो चुके हैं, ऐसे कॉफी पी ली है, जबरदस्त वाली एनर्जी हमारे अंदर है। और यहाँ से हमें जाना है जॉर्ज टाउन। अभी हम बीच वाले एरिया के पास है हमारा होटल और हम वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे जाने के बाद हमने बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की हुई है और कुछ तो बहुत ज्यादा डेंजरस है यार, सच में अभी दिल घबरा रहा है। वो सोच के मैंने फोटो देखी थी गूगल पे। तो अभी जाते हैं वहाँ पे, मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। कितना सुंदर है यार सब, क्या ब्यूटीफुल सिटी है। इसके फ़ोन के लिए ये ले रहे हैं, ये कवर के अंदर है, ये अपने गले में टांगेगा और वीडियो बनाएगा इससे। फिर फ़ोन भी नहीं गिरेगा क्योंकि अभी हम ऐसी जगह जाने लग रहे हैं। एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं यार, ख़त्म हो गए थे। एटीएम से पैसा निकाल लिया दोस्तों, अब थोड़े से अमीर हो गए हम। अभी हमें वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे एक्टिविटी करने जा रहे हैं हम, और वहाँ पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है यार, मतलब हम पे थे नहीं ना थोड़े से भी। तो हम अभी एटीएम से निकाला हमने, और मे बैंक यहाँ का सबसे बड़ा बैंक है मलेशिया का। ये चीज़ करने वाले हैं हम आज, सामने से दिखा दो जब पता लगेगा, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मतलब ये बिल्कुल ऊंचाई से खड़े होंगे हम यहाँ पे। तो मिलिए दुनिया के सबसे लंबे इंसान से, 8 फीट 11 इंच इनकी हाइट। अमेरिका में इन्होंने जन्म लिया था, रॉबर्ट वेडलो इनका नाम। मैं खुद 6 फीट का हूँ, देखिए मैं कितना छोटा दिख रहा हूँ इनके आगे। अब टिकट बुक करते चलो। 3 है, हम ये वाला ले रहे हैं, ये ज्यादा हो जाएगा। 79, थैंक यू। I think we have to go there. और दोस्तों उल्टे सीधे शीशे हैं, मतलब देखिए इसमें मेरी कितनी लंबी टांगे लग रही हैं। ठीक है, शेप भी बदल गई मेरी। हमें 68th floor पे जाना है, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। वाओ, टोनी स्टार्क भाई साहब यहाँ खड़े हैं, क्या हाल चाल ब्रो? ये देखिए मेरे पीछे ये सब पता नहीं कौन लोग हैं, मैं दिखाता हूँ। एक तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, हैरी पॉटर, कैप्टन अमेरिका, मिस्टर बीन और ये वुल्वरीन। बिल्कुल रियल लग रहे हैं यार ये खड़े हुए। ओहो वाओ, क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने, अगर एक बार टूट गए तो कंसिडर किया जाएगा कि बेच दिया हमने, और 25,000 RM हमें देने पड़ेंगे। 65 floor, 4 ही floor है बस यहाँ, 6, 59, 60, 67। ये क्या लगा रखी है इन्होंने, दूरबीन लगा रखी है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखा कुछ मुझे क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, एक चीज़ मतलब लोगों जो लोग हैं ना उनके घर की खिड़कियों के भी अंदर दिख रहा है, किचन विचन में क्या बना रहे हैं। ये फॉर्म भरवा रहे हैं भाई, पहले जिम्मेदारी नहीं है इनकी अगर कुछ हो गया तो। हमें इन्होंने क्या पहना दिया गंदा सा, मेरा तो हेयर स्टाइल बिगड़ गया। ये चेस्ट पर मान लिया, अब गोप्रो लगेंगे यहाँ पर। यहाँ पे हमें पहना रहे हैं और अभी बाहर भेजेंगे। और हमें यार ये इससे बांध देंगे उनको। दोस्तों चल रहे हैं हम आगे आगे। एम
दोस्तों नीचे से देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। हो भाई यह कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से भाई, सब जा रहे हैं आगे आगे। ओ नीचे पूरा मलेशिया, मैं नीचे नहीं देख रहा, मैं नीचे नहीं देख रहा। मैं ऐसे पैर करके और तुम्हारी टांग इधर जाएगी। ये ऊपर रस्सी बंधी हुई है ऐसे और सब साइड साइड में चल रहे हैं और नीचे देखिए दुनिया हमारे यहाँ, मतलब बैठ के फोटो भी खिंचा सकते हैं, बैठने की जगह है यहाँ पे, अब फोटो शूट होगा यहाँ पे। ऐसे दीप बिठा दिया इन्होंने हमें, पैर नीचे कर रहे हैं सब अपने। ओह फ्लोर पे बैठे हैं हम और मैं इस वजह से यहाँ पे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन सी जगह मैं खरीद सकता हूँ यहाँ पे मलेशिया में, जो मुझे पसंद आएगी यहाँ ले लेंगे हम, थोड़ा व्यू ले लेते हैं ऊपर से थोड़ा। दोस्त हम सामने जा रहे हैं, चलो चलते हैं। मुझे सच बताऊँ बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, वैसे भी नेक्स्ट मंथ मैं स्काई डाइविंग करने वाला हूँ। तो इसे बोलते हैं स्काई वॉक। यहाँ पे दुनिया ऐसे चलती है और नीचे शीशा है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे चल रहे हैं। यार अब वो चीज़ करने के बाद भूख लगी थी पर वेजिटेरियन ही नहीं आ गई, अब वेजिटेरियन नहीं तो क्या करें, समझ नहीं आ रही, बड़ी दिक्कत होती है। तो गाइस यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला, अभी हम कर ही आए थे अपना और उसके बाद अभी हम ढूंढ रहे हैं खाने पीने की, और मेरे पास यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, अभी आई डोंट नो ये कौन लोग हैं, स्कूल वगैरह से हैं। Are you guys from any university school? No. मैंने अपने लिए मंगाया, शानू ने अपने लिए मंगाया। तो जो अभी मैंने आपको लड़कियां दिखाई ये सब यहाँ पे ब्यूटी कंपटीशन लड़ने आई हुई हैं। यहाँ पे एक कंपटीशन है इनका और सब अलग अलग कंट्रीज से हैं, कोई कंबोडिया से, कोई रशिया से, कोई US, कोई मतलब सारे अलग अलग देशों से हैं और इधर आए हैं, और इनमें एक मिस इंडिया भी थी बट हमें थोड़ा जल्दी हो रहा था तो हम निकल गए यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर खुशी हुई कि चलो अपने इंडिया से भी तो कोई था। अभी हम एक नई जगह जा रहे हैं 3D आर्ट म्यूजियम करके, ट्रिक म्यूजियम है, इसके अंदर मतलब बड़े हाइट वाले छोटे हो जाते, छोटी हाइट वाले बड़े, मतलब उल्टी सीधी सी चीज़ें हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। देखिए दोस्तों गुरुद्वारा भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गए हम, अब देखते हैं अंदर क्या क्या है। यहाँ पर एंट्री कर ली हमने यहाँ पे और सिर्फ 25 मिनट हमारे पास, फिर ये बंद करने जा रहे हैं, फिर भी हमने सोचा कि यार चले जाते हैं। 30 रिंगिट में हमें एक टिकट मिला और कितने मस्त लग रहे हैं पोकेमोन यहाँ पे। सही है, मतलब पेंटिंग है, आर्ट है अच्छी। यहाँ पे किसी को फोटो खिंचानी है, यहाँ पे बंदा आके खिंचा सकता है। ये क्या है, चला जाता हूँ मैं किसकी धुन में। अरे भाई साहब तुमने अंदर क्यों कुछ नहीं पहना है, नंगू पंगू इन पांडा के बीच में बैठ के फोटो खींचते हैं, असली नहीं लग रहे यार बिल्कुल। ये देखिए सामने क्या बना रखा है उल्टा सीधा, वो सच बताऊं, सच बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, पैसा बर्बाद हो गया था सच में, मजा नहीं आया। यार सच बता रहा हूँ, इधर आओगे तो यहाँ पे मत आना है, 3D पेंटिंग वगैरह बिल्कुल पैसे की बर्बादी हो गई, मतलब हमारे 800 से 900 रुपए चले गए। अभी मैं रोड पे हूँ और जगह घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं प्यारी सी जगह मिल जाए जाने के लिए और कुछ देख पाए हम। अभी तो मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, इधर से भी बहुत तेज़ी से लोग आ रहे हैं, इधर से भी बहुत तेज़ी से आ रहे हैं।
7-Eleven से पहले कुछ यार खाने पीने का ले लेते हैं, प्यास लगी है पहले तो। सबसे पहले देखिए पानी का नाम देखिए क्या, अंडा। ये पुलिस कहाँ जा रही है बहुत तेजी में, पीछे बड़ी गाड़ी और है। ये कुछ नया ट्राई करते हैं, ओरियो वेफर रोल। माँ कसम बहुत ही ज्यादा वाहियात है सच में। गाइज मेरे पीछे जो आप ये टाउन हॉल देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है, 1880 में 1880 में ब्रिटिशर्स ने इसे बनवाया था। और ये मलेशियन नेशनल म्यूजियम है अभी, और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी होती है। ये देखिए बाहर से कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी हम जिस ग्राउंड में यहाँ के लोकल बंदे जो यहाँ के रहने वाले हैं वो खेल रहे हैं फुटबॉल। चलो उनसे जाके पूछते हैं यार खिला लो थोड़ी सी देर फुटबॉल। अपने इंडिया में तो यार ऐसे खिला लेते हैं, क्रिकेट विकेट खेल लो, तो इनका दिल देखते हैं कितना बड़ा है। आ जाओ, ये देखो ये सामने खेल रहे हैं, 5-6 बंदे हैं। गाइज कैन वी ऑल्सो प्ले फुटबॉल विद यू? श्योर। ओह थैंक यू सो मच, ओह थैंक यू सो मच गाइज। ओके कमिंग। प्लेइंग वेल, ग्रेट। व्हाट्स योर नेम? एल्विन। ओके, बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ खेलने में, थक गया, पसीने पसीने हो गए। मेरी पूरी टी शर्ट पसीने में भीग चुकी है, मेरी भी, इसकी भी। बड़ी मेहनत कराई यार इन लोगों ने, वो मजा आया सच में, सेटिस्फेक्शन मिली। और यार बढ़िया लोग थे सच में, मुझे लग नहीं रहा था हमें खिलाएंगे ऐसे पर ये बड़े खुश हुए, कह रहे थे ओ वाह इंडियन। ऐसे जैसे अपने यहाँ होता है ना कि विदेशी से बंदा है विदेश से और खेले हमारे साथ, तो हमें भी अच्छा फील होता है। दोस्तों मेरे पीछे आप ये जॉर्ज टाउन देख रहे हो, यहाँ हम आ गए हैं। 2,22,000 लोगों की पॉपुलेशन थी यहाँ पे 2017 में, अब तो बढ़ गई होगी। इस जगह को कलरफुल मल्टीकल्चरल कैपिटल के नाम से जाना जाता है, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, और बड़ी सुंदर सी जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ, बाइसिकल्स खड़ी हुई हैं, ये आपको स्कैन कोड करना है, स्कैन होता है यहाँ पे लिखा हुआ ना स्कैन मी, यहाँ पे इसे स्कैन करना है कोड को, और आप इन बाइसिकल्स को ले जा सकते हो यहाँ ले जाके, जहाँ पे भी इनके स्टैंड्स हैं वहाँ इन्हें खड़ी कर सकते हो। ये दोस्तों ये तो हमारे यहाँ भी है मारुति ऑल्टो, ऑल्टो टाइप, इनका तो हैंडल भी नहीं है। ये देखिए आपको जगह जगह यहाँ दुकानों पे ऐसी ऐसी हरकतें मिल जाती हैं, देखिए डोरेमोन कितना मस्त लग रहा है, ऐसे लोग बैठते हैं और इनमें गाने बजते हैं मस्त मस्त। नो नो नो, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं यार। ये जो ये है ना ये रिक्शा, इनमें बजते हैं ऐसे ऐसे गाने, तो ये पक्का किसी इंडियन की होगी या जिसे हिंदी आती होगी जब ये गाने बज रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ बैठो मस्त, चलो छतरी बारिश आए तो। ये नारियल पानी, आम मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये जितने लिखे हुए ना मल्टीप्लाई 17 कर लीजिए, इनके रेट ये है। सुंदर लग रहा है ना पीछे एकदम मस्त बैकग्राउंड। ओ क्या बाइक खड़ी है, BMW। देखिए अगर आपको ये बाइक रेंट करनी है इलेक्ट्रिक वाली, तो ये 20 RM में होगी एक घंटे के लिए, बोले तो 340 रुपये घंटा। तो दोस्तों ये एक और मॉस्क है यहाँ पे, मस्जिद बहुत है यहाँ पे जॉर्ज टाउन में, देखिए कितनी खूबसूरत है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? दिस नेम युवराज। ओह आर यू इन स्कूल? यस। व्हिच क्लास? यस क्लास, योर क्लास स्टैंडर्ड? आई थिंक यू लाइक टू स्टडी? यस। यू लाइक टू स्टडी बुक्स? नो। यस यस। वेयर इज योर होम? वेयर इज योर प्लेस? ओके, यू आर सो क्यूट गाय, आई एम फ्रॉम इंडिया। Yeah, I am from India. We are friends now, okay? This? Yeah, me too. He is also from India. India. Yeah. Now we are friends. Okay. Bye-bye. Take care.
ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा आपको आज? यार ना थक गया सच में बहुत ज्यादा। और कल बताऊं, कल हमें लंका भी निकलना है, और वो दूसरा आइलैंड है, बहुत गजब है वो सच में, इससे भी ज्यादा। हम फ्लाइट है हमारी कल, और सुबह सुबह जल्दी भी उठना है, तो अभी हम जाते हैं, थोड़ा बहुत खाते पीते हैं और फिर जाके सो जाते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना। टेक केयर, बाय।